चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। लोकसभा चुनावों और चुनाव आचार संहिता के बाद मनोहर सरकार की यह पहली कैबिनेट मीटिंग थी। इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कैबिनेट मीटिंग में लिए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। चलिए आपको बताते हैं कि कैबिनेट में कौन कौन से प्रमुख फैसले लिए गए। कैबिनेट ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन और हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। HSIDC द्वारा कुछ ऐसे पद थे जिनको भर्ती करने में लंबी प्रक्रिया में जाना पड़ रहा था, परंतु बहुत से काम ऐसे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं HSIDC के अंदर जिनमें तुरंत सीधी भर्ती करने की आवश्यकता थी। उसके ट्रेनिंग और मैनेजमेंट फाइनेंस के 6 पद की सीधी भर्ती के माध्यम से चयन समिति द्वारा चयन करने के लिए आज हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा मोटर वाहन नियम में संशोधन से छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में सुविधा होगी। संशोधन के अनुसार अब विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार, मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर, इंजीनियरिंग कॉलेज प्राचार्य, ITI प्राचार्य, फार्मेसी कॉलेज प्राचार्य लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे। सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मेडिकल कॉलेजों के डायरेक्टर, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन से मान्य प्राप्त इंजीनियर्स और प्रौद्योगिकी संस्थानों के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा कॉलेज के प्रिंसिपल, ITI और के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के प्रिंसिपल, फार्मेसी कॉलेजेस के प्रिंसिपल, राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी, एलोपैथी और यूनानी कॉलेजों के डायरेक्टर, ये इस लेवल के अधिकारी। वहीं हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम में संशोधन से आर्थिक आधार पर कमजोर लोग लाभान्वित होंगे। नए नियम के अनुसार ग्रुप डी में भर्ती लिखित परीक्षा सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर होगी। यदि आवेदक विधवा है या फिर आवेदक के पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हो गई हो या फिर पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले हो गई हो तो ऐसे आवेदक को 5 अंक दिए जाएंगे। अब इसमें ये किया गया है, या तो वो विडो हो, कोई विडो लेडी है वो अप्लाई करती है, उसको 5 नंबर का हम देंगे, या जिस व्यक्ति की उम्र 42 साल से कम थी उसके बच्चों ने अप्लाई किया है। इस एप्लीकेंट के फादर की 42 साल की आयु से पहले डेथ होगी उसको भी हम 5 नंबर का फायदा देंगे, और उसके साथ साथ बिना माँ बाप के भी ऑर्फन को भी जोड़ रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार से आज इसमें संशोधन किया है ताकि, और उसमें एक संशोधन और किया है, जिसने एक बार लाभ ले लिया, मान लो मैं आज ग्रुप डी में किसी पोस्ट पे अप्लाई किया और मैं भर्ती हो गया, उसका मुझे लाभ मिल गया, परंतु कल को मैं क्लरिकल में या पुलिस में या किसी और डिपार्टमेंट में, 1 time उसको बेनिफिट मिलेगा। जिन TGT को साइंस और मैथ पढ़ाने का 2 साल का अनुभव है उन्हें PGT फिजिक्स के तौर पर प्रमोशन मिलेगी। पंचायत सचिव भर्ती की न्यूनतम योग्यता 10वीं से बढ़ाकर स्नातक की गई। तो हम पंचायत सेक्रेटरी कुछ पोस्टों के लिए मैट्रिक से एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी बढ़ाकर सीधी ग्रेजुएशन की है, और उसको इसमें क्योंकि काम बड़ा है और जिम्मेवारी बड़ी है तो पंचायत सचिव की भर्ती मैट्रिक से ग्रेजुएशन कर दी गई है। नूह के गांव इंडरी को उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। करनाल जिला के सालवन गाँव को उप तहसील बल्लाह से तहसील असंध में जोड़ा गया है। वहीं HSIIDC में ट्रेनिंग और मैनेजर के 6 पद सीधे समिति भरेगी। बहरहाल लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक थी और उम्मीद की जानी चाहिए कि हरियाणा की जनता को सरकार के निर्णयों का लाभ जल्द मिलेगा। चंडीगढ़ से पूजा वर्मा की रिपोर्ट, खबर अभी तक।